The age of the father is twice the sum of the ages of his two children. After 18 years, 18 साल के बाद his age will be equal to the sum of the ages of his two children. Sum of the ages of his two children, और यहां पे भी दिया हुआ है sum of the ages of his two children. ये दो बार आ रहा है sum of the ages of his two children. इसको हम एक वेरिएबल में डील करेंगे और फादर को हम एक वेरिएबल से डील करेंगे. तो लगाते हैं इस क्वेश्चंस को, लेट करते हैं. लेट अस एज्यूम द एज ऑफ द फादर इज एक्स. फादर की एज अगर हम एक्स ले लें, सो हम एज्यूम करेंगे सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रेन वाई. ठीक है, तो सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रेन वाई ले लिया, फादर की एज एक्स ले लिया. अब आते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं क्या क्या चीजें दी हुई हैं. तो स्टार्टिंग में बोला जा रहा है कि द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस, यानी फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रेन, यानी वाई टू वाई. फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रेन, जो कि वाई मैंने लिया है. इतना क्लियर. अब आगे पढ़ते हैं. ये हमारा फर्स्ट स्टेप्स हो गया. सेकेंड स्टेप्स में यहां पे जो दिया गया है उसे ध्यान से देखिए. दिया गया है आफ्टर 18 इयर्स, 18 साल के बाद, यानी x प्लस 18 y प्लस 18 प्लस 18, ये हुआ 18 साल के बाद. 18 साल के बाद फादर शुड बी x प्लस 18 एंड 18 साल के बाद चिल्ड्रेन शुड बी y प्लस 18 प्लस 18. यहां पे दो बार 18 मैंने क्यों लिया है, ये देखिए, ये जो y है ये दो बच्चों की एजेस का सम है. ये 18 दोनों बच्चों में अगर जाएगा तो 18 18 जाएगा. एक बच्चे के लिए एक 18, एक बच्चे के लिए एक 18 है ना. तो ये हो जाएगा अपना 36 दो बच्चों के लिए. सो x प्लस 18 इक्वल टू y प्लस 36. ये दूसरे स्टेप से डेवलप हुआ इक्वेशन है और पहले स्टेप से ये. अब इन दोनों को सॉल्व करिए और फादर की एज आपको पता चल जाएगी. सो देखो, x इक्वल टू मैं लिख सकता हूं y प्लस 36 माइनस 18. 18 को उधर भेज दिया. अब यहां पे मिल जाएगा x इक्वल टू y प्लस 18, क्योंकि 36 माइनस 18 18 होगा. अब यहां पे फादर की एज बतानी है. किसकी एज बतानी है? फादर. और फादर क्या है? x. तो इसमें से मैं y को हटाऊंगा ताकि मुझे फादर पता चल जाए. और यहां पे फादर और चिल्ड्रेन में क्या रिलेशन है ट्वाइस का? सो y इक्वल टू मैं क्या यहां से डेरिवेट करूंगा, क्या निकालूंगा? सो y इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन 2. हो जाएगा कि नहीं? अब ये मैं पुट कर दूंगा इन इक्वेशन. इसे मैं इक्वेशन क्या ले लूं? सेकेंड. और इसे मैं ले लूं फर्स्ट. तो फर्स्ट पुट इन इक्वेशन सेकेंड, इतना आप लिख लेंगे. अब यहां पे आप जब पुट करेंगे y की जगह पे ये, सो ये x इक्वल टू x अपॉन 2 प्लस 18 होगा.
अब x इधर है तो इस x को भी x के पास आप लाएंगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा x माइनस एक्स अपॉन टू इक्वल टू 18, यही होगा। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए जगह नहीं है नीचे, अब ये x है, x में से x हाफ निकलेगा, यानी ये पूरा x है, x में से x हाफ, तो बचेगा x हाफ बचेगा। लेकिन इसको हम अच्छे से करते हैं, यहां नीचे 1 में लिख सकता हूं, यहां मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, ये x है ध्यान देना, और ये भी x है ध्यान देना, क्योंकि यहां मैंने मल्टीप्लाई का साइन लिखा है, ये मल्टीप्लाई x जैसा लगेगा आपको, तो इसको आप ध्यान से देखना, ये मल्टीप्लाई है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं इसे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ये 2 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूं ताकि एलसीएम यानी डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो ये हो जाएगा नीचे 2 क्योंकि दोनों में 2 आ गया, यहां 2x माइनस एक्स हो जाएगा और इक्वल टू हो गया 18। अब 2x में से x गया तो क्या बचा, x अपॉन 2 इक्वल टू 18, अब ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो x हो जाएगा क्या 36, यानी फादर कितने साल के हो गए 36 ईयर के, फादर कितने हो गए 36 ईयर्स, समझ में आया। तो ये था क्वेश्चन, बच्चों का भी एज पता चल जाता, यहां सम ऑफ द एजेस y हमारा निकल जाएगा, सम ऑफ द एजेस अगर हम करेंगे तो x बाई 2 करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा 8, यहां पे 36 बाई 2 यानी 18, y 18 हो जाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ द एजेस ऑफ टू हिज टू चिल्ड्रेन शुड बी 18, तो हो सकता है कि दोनों ट्विंस बच्चे हो सकता है कि एक बच्चा 10 दूसरे 8 साल का हो, ये भी हो सकता है कि एक बच्चा 15 साल का दूसरा 3 साल का, कुछ भी पॉसिबिलिटी तमाम है जो कि हो सकती है।